तो गाइस फाइनली आप लोगों ने जो एग्जाम दिया था नॉर्दर्न कॉलफील्ड लिमिटेड एनसीएल का 27 दिसंबर 2020 को फोरमैन एवं टेक्नीशियन पोस्ट का, उसका स्कोर कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। अब यहां पर डियर फ्रेंड वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने स्कोर कार्ड को चेक करते टाइम कंफ्यूज हो रहे हैं, बिकॉज जब आप स्कोर कार्ड को चेक कर रहे हो तो नीचे आप लोगों को कुछ मैसेज शो हो रहा है। एंड मैं लास्ट में वीडियो के आप लोगों को कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो वो आप लोग करना चाहो तो जरूर फॉलो करिएगा, तो वीडियो के लास्ट में मैं उसके बारे में आप लोगों को क्लियर करूंगा, जिससे आप लोगों की ही हेल्प हो सकेगी एक दूसरे की। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, मैं एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं, यहां पर आप टॉप पर देखोगे तो नोटिस जारी करके उन्होंने बताया है कि 27 दिसंबर 2020 को जो आप लोगों का परीक्षा संपन्न हुई है उसका स्कोर कार्ड आ चुका है। यहां पर नोटिस जारी करके उन्होंने बताया है, यदि हम नोटिस की बात करें तो यहां पर डियर फ्रेंड नोटिस आप देख सकते हो, यहां पर आप लोगों को संदर्भ संख्या मिल जाती है। देन यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि जो आप लोगों का एग्जाम 27 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ है विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर, उसकी उत्तर पुस्तिका जो है उसका मूल्यांकन कर लिया गया है और चयन परीक्षा में उपस्थित रहे अभ्यर्थी अपने प्राप्तांकों को प्रकाशित किया गया है, तो वो लोग चेक कर सकते हैं। तो यहां पर नोटिस में भी यही सारा कुछ दिखाया है। आप लोगों को चेक करने के लिए सिंपली डियर फ्रेंड लिंक पर क्लिक करना है, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आप लोगों को लॉग इन ऑप्शन दिखेगा, देन आप लॉग इन कर सकते हो अपने रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से। डियर फ्रेंड जैसे ही आप लॉग इन करते हो यहां पर आप लोगों को आपकी डिटेल्स मिल जाती है एंड यहां पर आप लोगों को टोटल मार्क्स मिल जाते हैं। नीचे आप देखोगे एक मैसेज शो कर रहा है ग्रीन कलर का और यहां पर लिखा गया है कट ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या हम मेरिट में आ गए हैं? जी नहीं, इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा, मैं आप लोगों को लेके चलता हूं उसके नोटिफिकेशन की ओर और वहां से मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। तो हम इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, देन यहां पर आप देख सकते हो मैं ऑफिशियल वेबसाइट में हूं और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों का आया हुआ था यहां पर आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस सुपरवाइजरी एवं टेक्नीशियन पोस्ट। तो इसके डिटेल नोटिफिकेशन को हम देखते हैं और इसके चलते सिलेक्शन प्रोसेस में, यदि डियर फ्रेंड आप इसके सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हो तो यहां पर आप लोगों को यह सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर आप देख पाओगे सिलेक्शन प्रोसेस में, तो हम चलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का दिखाया गया है, जिसमें आप लोगों का रिटन टेस्ट के बारे में दिखाया गया था कि भी आप लोगों का रिटन टेस्ट होना है, 70 मार्क्स का ए सेक्शन रहेगा एंड अलग अलग आप लोगों का ये सारा कुछ दिखाया था। देन यहां पर आप लोगों को टेबल मिल जाती है किसकी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो डियर फ्रेंड यहां पर आप लोगों को क्या क्लियर है, इस कट ऑफ मार्क्स की बात कर रहा है, ना कि आप लोगों के मेरिट लिस्ट की कट ऑफ की बात कर रहा है। जैसे कि यहां पर टोटल आप लोगों के मैक्सिमम 100 मार्क्स था, उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स थे वह 50 थे, एवं एससी एसटी ईएसएम ओबीसी एनसीएल एवं यहां पर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के लिए 40 मार्क्स थे। क्लियर है ना? तो ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है। अभी आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट नहीं आई है, मेरिट लिस्ट अभी आना बाकी है, तो वो मेरिट लिस्ट जैसी ही आती है वहां पर आप लोगों का क्लियर होगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। ये आप लोगों का मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है, दैट मींस कि यदि आप लोग 50, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कि भाई 100 पोस्ट हैं और यहां पर मान के चलिए भाई 200 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है 100 पोस्ट के लिए, और उन 200 स्टूडेंट्स में से आप लोगों की क्या है 50 स्टूडेंट्स ही 50 मार्क्स से ज्यादा लेकर आ पाते हैं और बाकी के 150 स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई 50 मार्क्स से भी कम लाते हैं, यानी कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स से भी कम लेकर आ रहे हैं। तो भाई वहां पर 50% वैकेंसी फिल करेंगे बिकॉज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को ही क्रॉस नहीं किया, इसलिए यहां पर एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट आप इस मिनिमम कट ऑफ मार्क्स के ऊपर आइए, देन इसके ऊपर जो है फिर उनकी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोस्ट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वहां पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यहां पर ओनली आप लोगों को क्या देखना है कि भाई मेरा कितना स्कोर है, इसका मेरिट लिस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही अभी आप बोल सकते हो कि भाई 60 तक मेरिट जाएगी 70 तक जाएगी। हालांकि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोस ऑलरेडी पर्टिकुलर आप लोगों को बता दिया है कि भाई ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है उससे ज्यादा कट ऑफ जाए, हो सकता है उससे कम कट ऑफ जाए। अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी पोस्ट
कैटेगरी एंड मार्क्स को जरूर कमेंट करें, इससे एक दूसरे की हेल्प होगी। लाइक आप यदि देखोगे कि भाई कितने मार्क्स फिटर में आए हैं, टर्नर में आए, मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स हैं आईटीआई वाले जो जुड़े हुए हैं चैनल के माध्यम से, तो ये आप करते हो तो एक दूसरे को हेल्प मिलेगी। देन मैं भी वहां पर देख पाऊंगा कि भाई कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो अपने करेक्ट मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर जो है मेंशन करें। सो आशा करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और ये कंफ्यूजन आप लोगों का क्रिएट हो रहा है वो भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।